रामपुर में तीन तलाक के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं। सख्त कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मुकदमों में इजाफा हो रहा है। तीन तलाक का ऐसा ही मामला रामपुर के केमरी क्षेत्र से सामने आया है। मामला केमरी थाना इलाके के पास के गांव सिमरिया का है, जहां गांव में ही एक गरीब पिता ने 11 फरवरी 2018 को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर अपनी बेटी सबीना की शादी की थी। आरोप है कि पति शादी के बाद से ही पत्नी को दहेज कम लाने के कारण परेशान करता था। वो बर्दाश्त करती रही, कई बार परिवार में समझौता कराकर मामला शांत करा दिया गया, लेकिन करीब दो महीने पहले सबीना को एक बार फिर मारा पीटा गया। फिर जब उसने पिता की गरीबी की बात कहकर दहेज देने से इनकार कर दिया तो उसे तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया गया, घर से भी निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक सबीना के पति ने दिल्ली में किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली है। महिला मायके आ गई और परिजनों को बताया। परिजन उसे लेकर केमरी थाने पहुंचे, एसपी से शिकायत की। कार्रवाई ना होने पर अदालत ने प्रार्थना पत्र दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पति इरफान, जेठ, नंदोई और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 11 फरवरी 2018 को अपनी बेटी शादी की थी गंगापुर कलास है, जिस लड़के का नाम इरफान है, बाप का नाम नसरुद्दीन है। अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज काफ़ी दिया था। उसके बाद में बात यही चलती रही। उसके बाद में इसने एक अवैध लड़की से दिल्ली जाके शादी और कर ली। अब इस लड़की को मतलब मारपीट करी और बहुत सताया, तरह तरह के दान दहेज का मारुति कार ले गया, 5 लाख रुपए ले गया और तंग करा। तंग करने बाद में मतलब इसको तीन तलाक दे घर से निकाल दिया। इसके पास एक लड़की भी है लगभग 8 महीने की। अब मैंने एसपी साहब से इंसाफ की गुहार लगाई है और प्रार्थना पत्र दिया और मैं आशा करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मारुति कार की और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, मैंने मना कर दिया कि मेरे बाप गरीब हैं। तो सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे बेइज्जत किया, तन पे जो कपड़े पहनी हुई थी वो कपड़े फाड़ कर और धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया मुझे और मेरी बेटी को। तीन तलाक के जो भी मामले आ रहे हैं वो मामले दर्ज हो रहे हैं और उसको विवेचना की जा रही है, आवश्यकता अनुसार गिरफ्तारी भी की जा रही है। कई ऐसे मामले तीन तलाक के आए कि दर्ज होने के बाद उनके आपस में समझौते भी हो गए। तो अब एक मामला देखिए, चूंकि मेरे सामने है मैं बिना अभिलेख देखे किसी मामले में किसमें समझौता हुआ, किसमें चार्जशीट लगी ये नहीं बता सकता, लेकिन जैसा मैंने बताया मामले दर्ज हो रहे हैं, समझौते भी हो रहे हैं, चार्जशीट भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ऐसे मामले भी आए जिसमें परिवार में समझौता हो, तो ये तो माननीय न्यायालयों का भी आदेश है, हमारे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का, कि मैट्रिमोनियल मामले में परिवार को टूटने से बचाने की भरसक कोशिश होनी चाहिए। और जब वो किसी तरह से चाहे हमारे परामर्श के माध्यम से चाहे सामाजिक माध्यम से समझौते हो जाते हैं, तो उसको हम ये चाहते हैं कि वो अदालतों तक मामले न जाए, इस नाते समझौते के आधार पर फिर हम अंतिम रिपोर्ट भी प्रेषित करते हैं। अब जरा सोचिए कि पिता की शिकायत पहले पुलिस थाने में दर्ज होनी थी, लेकिन उनका काम अदालत के जरिए हुआ। इतना लंबा इंतजार मामला दर्ज करने में, तभी शायद न्याय मिलने में भी लोगों को लंबा अरसा बीत जाता है।